मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार द्वारा अधिमान्य पत्रकारों के लिए की गई घोषणा पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने पत्रकारों के लिए कोरोना के फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने अधिमान्य पत्रकारों को ही कोरोना वॉरियर माना है। बाकी के जो पत्रकार अधिमान्य नहीं है और फील्ड में लगातार काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? पीसी शर्मा ने मांग की है कि गैर अधिमान पत्रकारों को भी योजना का लाभ मिले। वहीं चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी नेताओं के बयान पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी में अब दिल्ली से लेकर भोपाल तक कला होगी, क्योंकि 8-10 मंत्रियों को बीजेपी ने बंगाल के चुनाव में भेजा था, लेकिन वहां पर बीजेपी का सफाया हो गया। वहीं दमोह उपचुनाव में राहुल लोधी की हार पर पीसी शर्मा ने कहा, दमोह में 50 विधायक 20 मंत्री सहित पूरा प्रशासन लगा रहा, लेकिन प्रत्याशी को जिता नहीं पाए। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में बढ़ती कोरोना महामारी को लेकर भी प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। भाई कमलनाथ जी ने जब कहा था, उन्होंने ट्वीट भी किया था कि जो पत्रकार है इनको कोरोना वॉरियर्स की श्रेणी में लिया जाए, 24 घंटे घूमते हैं, जानकारियां देते हैं आम जनता को, शासन को भी जानकारी इनसे मिलती है, तो इनको सबको किया जाए। और उनने कह दिया अधिमान में तो बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं बने हुए, उनको देने के लिए किया गया। अरे फोटोग्राफर हो चाहे पत्रकार, अधिमान हो या अधिमान नहीं हो, सबके लिए सरकार को करना चाहिए, ये हमारी मांग है। कुल मिला के पूरी सरकार 20 मंत्री, पूरा प्रशासन, 50 विधायक भारतीय जनता पार्टी के लग रहे, उसके बाद ये इतनी लंबी हार उनकी हुई है, ये सिद्ध हो गया कि अब ये भारतीय जनता पार्टी सरकार जीत के नहीं बना सकती, ये तो विधायक खरीद के ही बना सकती है। हर परिवार उठा के देख लो, तीसरा चौथा परिवार, उसके घर से कोई ना कोई संक्रमण हुआ है, उसकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी की वजह से, बेड नहीं होने से, आईसीयू नहीं होने से, वेंटिलेटर नहीं होने से, ये सरकार अब खुद वेंटिलेटर पे आ गई है।